आजकल चुनाव की गर्मा गर्मी चल रही है और आप भी सोच रहे होंगे, मैं भी सोच रहा हूं। मैं सीधा टू द पॉइंट आता हूं। अब वो वक्त नहीं रहा घुमा फिरा के बात करने की, कोई आवश्यकता नहीं है। आप भी जान रहे हो चुनाव प्रचार में बहुत कम समय रह गया है और जिस तरह का प्रदर्शन मैं पूरे क्षेत्र में देखता आ रहा हूं, ऐसा तूफानी दौरा, नौजवानों में इतना जोश, मैंने कभी अलीगढ़ में और इगलास में भी इस तरह का जोश उत्साह नहीं देखा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेकिन एक बात गौर करने की है, आप नोट कर रहे होंगे वे लोग जिनकी नजर निगाह कभी आपके तरफ गई नहीं, सत्ता की मलाई ये लोग खाते गए, चाटते गए। किसान को भाव नहीं मिला, देश में सबसे महंगी बिजली उगाही आपसे की गई, नोटबंदी की मार आप पर पड़ी, नौकरी के लिए जब नौजवान जाता था लखनऊ आप पे लाठियां चलाई गई, प्रदेश के विश्वविद्यालय में घुसकर लाठी चलाई गई, किसान दिल्ली में 13 महीने से बैठे थे, किसान संगठनों ने कहा चलो लखनऊ भी चलो, लखनऊ भी चलो, मुख्यमंत्री ने तुरंत ट्वीट करके धमकाना शुरू कर दिया कि ये दिल्ली नहीं लखनऊ है। और आज वही लोग कितने कमजोर हो गए, रोज मेरा नाम ले रहे हैं, रोज आपको पुकार रहे हैं। क्या मजबूरी है, क्या दबाव है, यह हमारी एकता है, इन्हें हमारी एकता बर्दाश्त नहीं हो पा रही। जैसा अभी कहा विजेंद्र जी ने 36 जाति जुड़ रही है। क्यों जुड़ रही है, क्यों उन्हें समझ में आ रही बात, अकेले रह जाओगे तो मारे जाओगे और इकट्ठा हो जाओगे तो खदेड़ा होगा। जिंदाबाद, बहुत हो गया। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जहां किसान की कोई सुनवाई ना हो। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन आपका इतना बड़ा दिल होना चाहिए कि आप गलती मान लो, माफी मांग लो। अभी रास्ते में हम चर्चा कर रहे थे कि राजनीति और नैतिकता, पुराने लोग बुजुर्ग हैं बता देंगे, चौधरी चरण सिंह से कोई बेहतर उदाहरण नहीं है। अगर हम नैतिकता की बात करेंगे, चारित्रिक गुणों की बात करेंगे, सच्चाई और ईमानदारी की बात करेंगे, उनसे बेहतर कोई मिसाल भारतीय राजनीति में नहीं है। और हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि अक्सर आजकल तो मारामारी हो रही है कि हम अपनी संख्या बढ़ाएं, लेकिन चौधरी साहब कभी कभी चुनावी सभा में खड़े होकर कह देते थे, जब उन्हें कोई कहता था कि इनके कुछ उम्मीदवार में कमी है, चरित्र में कुछ कमी है, खोट है, तो चौधरी साहब का इतना बड़ा दिल होता, वो जनता के आगे झुकना जानते थे और जनता को मोड़ना जानते थे। लेकिन आज जो सत्ता में बैठे हैं, अब वक्त आ गया कि आप ऐसा वोट करो कि इनका अहंकार आप तोड़ सकते हो। अभी मैं देख रहा था योगी जी का बयान, कहते हैं मैं इन्हें दो लड़के साथ आए हैं दंगा करने, चौधरी चरण सिंह की मैं उनका नाती हूं, इस क्षेत्र ने मुझे जाना है, बहुत करीब से आपने देखा ये मथुरा का क्षेत्र, आप जानते हो घर घर में आपके रिश्ते और संबंध हैं। मैं 5 साल वहां सांसद रहा, कोई एक आदमी आपके बीच ये नहीं कह सकता कि मैंने घर में झगड़ा कराया हो या मैंने उनके झूठ बोला हो। जय चौधरी। योगी जी मुझे कहेंगे, योगी जी मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं दंगाई हूं,
या मैं दंगे को भड़का सकता हूँ। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मेरे बाबा थे चौधरी चरण सिंह, 1970 में उत्तर प्रदेश में गुंडा कानून चौधरी चरण सिंह की कलम थी, वो कानून उन्होंने बनाया था। बाबा जी आपने कोई कानून नहीं बना रखा। और योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी के जो चर्बी चढ़ रही है सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। और ये मैं आपको वादा करता हूं, गोरई एक क्षेत्र का केंद्र बिंदु है, मैं सोच समझ के वादा करता हूं, यूं ही नहीं करता। ये कोई असाधारण काम नहीं है सरकार के लिए। और इस क्षेत्र के जहां ये सभा हो रही है, इस क्षेत्र के विकास में इसकी बड़ी भूमिका रहेगी और आसपास के क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा। इसे टाउन एरिया हम घोषित कराएंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो उद्योग की बात हुई थी, मुझे अलीगढ़ क्षेत्र के कुछ किसानों ने चिट्ठी लिखकर बताया, यहां बड़ी पुरानी मांग चल रही है, चौधरी अजीत सिंह जी ने कोशिश की थी लेकिन वो कामयाबी हम लोगों को नहीं मिल पाई। वो यहां गन्ने का उत्पादन एक समय पर होता था और ये मांग थी कि चीनी की मिल यहां कहीं ना कहीं बननी चाहिए। बात है कि नहीं, व्यवहारिक है? उस ओर भी हम लोग ध्यान देंगे। और आपकी फसल लाया की बहुत अच्छी है, आलू की पैदावार बढ़िया है, लेकिन भाव नहीं मिलता, किसानों को भाव नहीं मिलता। तो मैं और अखिलेश जी लगातार दौड़े कर रहे हैं, प्रेस वार्ता कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं लोगों के बीच, और रोज के उन कार्यक्रमों में मैं रोज गौर कर रहा हूं कि जहां अखिलेश जी बोल रहे हैं वो कह रहे हैं, इस सरकार ने पाम ऑयल को बढ़ावा दिया, 11,000 करोड़ का नया मिशन मोदी जी ने फीता काटा है कि हम पाम ऑयल की खेती कराना चाहते हैं। अगर पाम ऑयल की खेती को सरकार बढ़ावा देगी तो लाया कि आपकी फसल को क्या भाव मिल जाएगा? सरसों के तेल को बढ़ाइए, जो राशन की व्यवस्था है, जो पीडीएस की व्यवस्था है, लोकदल तो पहले ही कह चुका है और समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में भी शामिल हुआ कि हम जहां संभव हो, जहां उत्पादन का केंद्र हो, आलू को भी राशन में जोड़ेंगे और सरसों का तेल भी जो गरीब राशन को दिया जा सकता है। आज आप सोच रहे होंगे मैं इतना गर्म होकर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए, बहुत संघर्ष करके यहां तक हम पहुंचे हैं। आज एक खास दिन है, आज देश भर का किसान आंदोलित है और कह रहे हैं कि आज हम विश्वासघात दिवस मना रहे हैं। विश्वासघात दिवस क्यों? 13 महीने आंदोलन चला, 700 से ज्यादा लोग शहीद हुए, लखीमपुर में गाड़ियां रौंद के चली गई, मंत्री जी अभी भी जो है मंचों पर बैठते हैं, उनका पूरा सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। और सरकार ने, मोदी जी ने जो किसान संगठनों को उठाने के लिए जो वादे किए थे कि तुम लौट जाओ अपने घरों में, तुम्हारी सारी बातें मान ली गई, उनमें से कोई वादा अभी पूरा नहीं हुआ। ना तो एमएसपी की समिति, ना जो मुकदमे दर्ज हुए थे 26 जनवरी में, इस क्षेत्र से भी ट्रैक्टर गए होंगे, यहां भी कोई किसान होंगे जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे, मुकदमे वापस हुए हैं क्या? ना किसानों के विरुद्ध दर्ज मुकदमे वापस हुए, ना जो बड़ी बात थी भाव की उसका कोई उपाय निकला। और इसलिए हमने और समाजवादी ने बैठ के तय किया है
कि राज्य सरकार भी एमएसपी घोषित कर सकती है और हमारी मांग पहला काम होगा विधानसभा सत्र में हम इसको पारित करेंगे कि केंद्र सरकार एमएसपी के लिए कानून लाए और पारित करे ताकि पूरे देश के किसानों को लाभ मिले। मैं ये भी कहना चाहता हूं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने मुझे सौंपी है। आज चौधरी अजीत सिंह जी हमारे बीच नहीं है, चौधरी चरण सिंह की याद आपके मन में आज भी दिल में ताजा है। मैं चाहता हूं कि एक बार आप मौका दो, एक बार मौका दो और आप देखोगे कि लखनऊ में आपका वर्चस्व क्या होगा, आपके आगे सरकार झुकेगी, किसान की सरकार बनेगी, जिंदाबाद। तो पूरा आशीर्वाद देना 10 तारीख को। अगर आप मुझे ताकत देना चाहते हो तो वीरपाल को अपनी वोट, परिवार वालों की वोट, मोहल्ले की वोट, सारी वोट इनके फेवर में देके मुझे मजबूती देना, आशीर्वाद देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।